नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल इंडिया को लेके। कोल इंडिया में जो है कुछ अपडेट्स आए हैं और यहाँ पे दिग्गजों का ये मानना है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा आगे जो है रिटर्न देखने को मिल सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये स्टॉक में अभी क्या चल रहा है और क्या हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि अगर आपको एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग से, तो उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देखे रखा है। अगर आप हमारे यहाँ से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक साल का एमसी फ्री मिल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, जरूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। दोस्तों, हम लोगों ने देख सकते हैं आप एक दिन या दो दिन पहले जो है सेल का टारगेट प्राइस दिया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टॉक का जो है उसका टारगेट प्राइस दिया था, वो हिट हुआ है। कोल इंडिया का भी जो दिया था वो भी हिट हुआ है। गेल का भी जो दिया था वो भी हिट हुआ है। और जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे YouTube चैनल पे जो है हम लोगों ने अभी मेंबरशिप लाया है, जहाँ पे हम लोग मेंबर्स के लिए कुछ अलग से स्पेशल स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा वहाँ पे भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अभी यहाँ पे कोल इंडिया में देखेंगे तो कोल इंडिया में जो है अभी फिलहाल एक अच्छा खासा जो है कुछ दिन से हम लोग को तेजी देखने को मिला है। छह महीना पहले स्टॉक का प्राइस 134.85 पैसे चल रहा था और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो छह महीने के अंदर स्टॉक ने रिटर्न दिया है 1.26% का। वन मंथ पहले स्टॉक का प्राइस, एक महीना पहले स्टॉक का प्राइस 1.26.40 पैसे चल रहा था। अब एक महीने के अंदर ये स्टॉक ने रिटर्न दिया है 8%। 5 डेज में भी ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा जो है ये स्टॉक में मजबूती बनता हुआ दिखा है। 5 डेज पहले स्टॉक का प्राइस 132.20 पैसे चल रहा था और 5 डेज के अंदर ये स्टॉक ने रिटर्न दिया 3.30% का। और अभी स्टॉक में जो है गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे क्या करना चाहिए। और स्टॉक में जो फिलहाल अभी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पे जो है अच्छा खासा मजबूती बनता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे आज का अगर देखते हैं हम लोग ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस, स्टॉक ओपन हुआ था 138.90 पैसे में, हाई प्राइस दिया है 139.60 पैसा एंड लो प्राइस दिया है 136 रुपीस का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉक में 0.84% का जो गिरावट बनता हुआ दिखा है। तो चलिए अभी यहाँ पे हम लोग एनएससी का जो है एनएससी की वेबसाइट पे देख लेते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग आ गए एनएससी की वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं ट्रेडेड वॉल्यूम जो है ट्रेडेड वॉल्यूम 98,40,825 यहाँ पे दिख रहा है एंड फेस बिलो है 10.00 का। 52 का हाई प्राइस है 214.60 पैसा एंड 52 का लो प्राइस दिया है 109.55 पैसे का। बाई क्वांटिटी यहाँ पे देख सकते हैं, बाई क्वांटिटी जो 14,60,966 बाइंग प्राइस भी यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है एंड सेल क्वांटिटी भी यहाँ पे एंड सेल प्राइस भी है। तो चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजिशन में क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आता है। तो यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल जो हमारा यहाँ पे जो है सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन में देखने को मिल रहा है, डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल वो है 33,55,753। तो यहाँ पे जो है डिलीवरेबल क्वांटिटी कोल इंडिया स्टॉक में जो है अच्छा खासा दिख रहा है। अभी डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी का परसेंटेज देखते तो वो है 41.37% का। तो दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल जो है हम लोग खरीद के चल सकते हैं। अभी स्टॉक में एक गिरावट दिख रहा है हम लोग को जरूर, बट लग रहा है कि बहुत ही जल्दी ये स्टॉक में एक अच्छा खासा आगे मूवमेंट या फिर मजबूती भी बनता हुआ दिख सकता है। तो चलिए अभी यहाँ पे देख लेते हैं क्या अपडेट आया है। तो आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल इसके पहले भी जो है कोल इंडिया के बारे में टारगेट प्राइस दिया था और ऐसे कुछ दिग्गजों ने इसके पहले भी जो कोल इंडिया के बारे में टारगेट प्राइस दिया था। और अभी एक बड़ा अपडेट आ गया जहां पे मोतीलाल ओसवाल ने जो है बाय कॉल दिया है कोल इंडिया के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो देखने को मिल रहा है कि मोतीलाल ओसवाल हैज बाय कॉल ऑन कोल इंडिया विद टारगेट प्राइस ऑफ रुपीज 190। द करंट मार्केट प्राइस कोल इंडिया इज 137। तो यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल से बताया गया कि कोल इंडिया में जो फिलहाल खरीदारी करके रखना चाहिए और टारगेट प्राइस जो दिया गया है, टारगेट प्राइस आप देख सकते हैं 190 का टारगेट प्राइस यहाँ पे दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे स्टॉक में जो जैसे कि हम लोगों ने थोड़ा समय पहले देखा है ग्राफ में थोड़ा एक गिरावट दिख रहा है, बट अभी जैसा दिग्गजों का मानना है कि यहाँ पे अच्छा खासा एक मजबूती आ सकता है। अगर हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो यहाँ पे क्या जो है टारगेट प्राइस रख के चलना पड़ेगा, और या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो क्या टारगेट प्राइस रखना पड़ेगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मोतीलाल ओसवाल से एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है और कोल इंडिया के बारे में अगर बात करते तो 1973 में ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुआ था एंड लार्ज कैप कंपनी में है, तो बहुत ही पुराना कंपनी है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे हम लोग। तो देख सकते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है कोल इंडिया का फॉर द क्वार्टर एंडेड 39/2020 मतलब सितंबर 2020 का, कंपनी रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड सेल्स ऑफ रुपीज
14.56% तो एक अच्छा यहाँ पे जो है सेल्स भी इन लोगों का ग्रोथ हो रहा है, और 14.56% यहाँ पे सेल्स जो ग्रोथ हुआ है ये साल का, जहाँ पे इन लोगों ने एक अच्छा जो है इन्फॉर्मेशन भी शेयर किया यहाँ पे, तो एक बहुत ही बड़ी बात है कोल इंडिया के स्टॉक के लिए। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे अगर आगे के इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो कोल इंडिया के बारे में जैसे कि बताया आप लोगों को बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आगे का इन्फॉर्मेशन, CIL टू इन्वेस्ट ₹3,370 crore टू बिल्ड रेलवे सीडिंग्स साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स विल अकाउंट फॉर 10 ऑफ द प्रपोज्ड 21 सीडिंग्स फॉलोड बाय सेंट्रल कोल फील्ड्स विद 6 ईस्टर्न। तो यहाँ पे जो है एक कोल इंडिया के लिए भी ये भी जो है एक बहुत बड़ा अपडेट है या फिर बहुत बड़ा बात है जहाँ पे कोल इंडिया के लिए निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है CIL टू इन्वेस्ट 3,370 crore टू बिल्ड रेलवे सीडिंग्स, तो यहाँ पे रेलवे सीडिंग्स का को लेके भी कोल इंडिया के साथ जो एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। तो इसी के चलते अगर हम लोग देखते हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए अगर रखते हैं हम लोग, अगर 3-4 महीने के लिए रखते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे जो है अभी जैसा स्टॉक पे चल रहा है या फिर अभी जैसा ग्राफ में हम लोगों ने देखा है जैसे अपडेट्स आ रहे हैं कोल इंडिया को लेके, हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पे भी अगर 3-4 महीने के लिए रखते तो भी एक यहाँ पे जो है अच्छा खासा मजबूती बनता हुआ दिख सकता है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं अभी देखिए स्टॉक में जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 136 के आसपास स्टॉक का प्राइस चल रहा है या फिर 136.40 पैसा, तो अगर हम लोग ये स्टॉक खरीदते हैं अभी तो जो है इसमें ज़्यादा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी रिटर्न देखने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया गया है 190 का, तो बहुत जल्दी 190 इसमें हीट नहीं हो सकता है ऐसा लग रहा है फिलहाल हमारा ओवरव्यू है। तो शॉर्ट टर्म की अगर लेते हैं तो लग रहा है कि आप इसमें जो 3-4 रुपए आराम से बनता हुआ दिख सकता है, और अगर ये स्टॉक एक बार 144 से लेकर 145 के ऊपर जा पाए तो इसमें एक अच्छा खासा मजबूती आगे बनता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल अगर हम लोग खरीदते हैं तो आपको जो है टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस जरूर इसमें जो है रखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में जो हम लोगों ने देखा है अच्छा खासा बीच बीच में गिरावट भी देखने को मिला है। तो फिलहाल दोस्तों हमारा जो टारगेट प्राइस रहेगा 3-4 रुपए या फिर 5 रुपए तक इसमें जो है टारगेट प्राइस रखकर चल सकते हैं, और अगर आप थोड़ा समय से होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि कोल इंडिया के बारे में क्या चल रहा है स्टॉक पे अभी एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए, और जो भी इस वीक के बारे में अपडेट्स आए हैं एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन दिखाया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, और आपको रिक्वेस्ट करेंगे जब भी आपको स्टॉक खरीदते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, जरूरी नहीं कि हम लोग जो टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस देते हैं कोई भी स्टॉक के बारे में उसी में आपको खरीदारी करना चाहिए फिर सेल करना चाहिए, जब भी कोई स्टॉक लेते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। तो वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं दोस्तों, आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना।